Vasudevaya. कृष्ण भगवद गीता में बार बार कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम मस्कुर। अर्जुन अपना मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ। आपने कभी सोचा मन भगवान में लगाने का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना, कृष्ण के प्रत्येक अंगों पर हम हमारा मन लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कथा में कहा था,
कि भगवान के सर्वांग विग्रह में सबसे उपयुक्त हम साधकों के लिए प्राण तुल्य है, भगवान के चरण कमल है। इसलिए जब हमारी दृष्टि भगवान कृष्ण के चरणों के ऊपर जाए, तुरंत हमें उन चरणों के अंदर रहे हुए चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। साधकों का ये कर्तव्य है। तत्कालीन मेरे मन में वो प्रसंग याद आ रहा है, आज से 11.5 लाख वर्ष पूर्व जब रावण माता सीता का अपहरण करके चला गया और उस समय राम और लक्ष्मण दोनों सीता को खोज रहे थे। देवी सीता ने रावण के साथ कुछ देर तक मुठभेड़ की और जब कुछ नहीं कर पाई तो सीता ने अपने अलंकार, अपने आभूषण एक कपड़े में बांधकर फेंक दिए निशानी के लिए। सीता को खोजते खोजते भगवान को वह अलंकार मिले। उसे खोलकर भगवान ने देखा तो देवी सीता के हाथों के कंगन थे। भगवान राम बड़े एक्साइट हो गए और एक्साइट होकर लक्ष्मण को कह रहे हैं, लखन देखो ये सीता के कंगन है, लक्ष्मण देखो ये सीता की इयररिंग है, लक्ष्मण देखो ये सीता की नथनी है, लक्ष्मण देखो यही सीता का हार है। राम बड़े एक्साइट थे लेकिन लक्ष्मण चुपचाप थे। अंत में लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि भैया आप मुझे क्षमा कर देना, मैं माँ सीता के कंगन को नहीं पहचान पा रहा हूं, न तो मैं यह हार को पहचान रहा हूं, न तो मैं इयररिंग को, न तो नथनी को पहचानता हूं, क्योंकि भैया मैंने मेरी माँ सीता के चरणों के ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं डाली थी। जब भी मैं माता सीता के पास आता तो मेरी दृष्टि उनके चरणों पर होती थी, चरणों के ऊपर मैंने माँ सीता के सामने कभी देखा ही नहीं, इसलिए मैं इनमें से किसी भी अलंकार आभूषण को नहीं पहचान पा रहा, परंतु इसमें जो घुंघरू है, जो नूपुर है, इसे मैं पहचानता हूं क्योंकि इसका मैं रोज दर्शन करता था। दास का ये भाव होता है। हम जब भी भगवान को देखें तो हमारी दृष्टि सर्वप्रथम भगवान के चरणों में होनी चाहिए और भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। तो मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा, इसलिए हमारे भगवान कृष्ण के चरणों में कुछ चिन्ह है। कृष्ण लीला में भी आपने सुना होगा कि एक दिन नंद और यशोदा ने देखा कि उनके घर पर कुछ चरण के चिन्ह पड़ गए हैं। उनको लगा कि भगवान विष्णु यहाँ पर आए हैं और उनके चिन्ह हैं, परंतु वह कृष्ण के चिन्ह थे। तो कृष्ण के चरणों में स्कंद पुराण के अनुसार 19 चिन्ह है। कृष्ण के दाएं चरण में 11 चिन्ह हैं और बाएं चरण में 8 चिन्ह है, कुल मिलाकर 19। दाएं चरण में 11 चिन्ह है, एक की बाद एक मैं बताऊंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कृष्ण के दाएं चरण में, मतलब राइट दाएं चरण में जो अंगूठा है, अब मैं मेरा पांव कैसे ऊपर करके दिखाऊं, एक बार एक महाराज थे और एक्शन करते हुए प्रवचन करने की आदत थी, पीछे कुछ सहारा नहीं था और बहुत बड़े मंच पर बैठे थे और एक्शन करते हुए प्रवचन करते थे। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को बहुत परेशान कर रहा था और प्रहलाद को खंभे के साथ बांध दिया और प्रहलाद को कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, और जैसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस खंभे में मेरे भगवान है, तो भगवान खंभा तोड़कर, ऐसे पांव खोलकर जैसे तोड़ने गए,
और खंबा तोड़कर प्रकट हुए तब तक तो महाराज जी व्यासपीठ के पीछे गिर गए। दो पांच लोग आए और उसे उठाना पड़ा, सत्य घटना है। तो कृष्ण के दाएं चरण के अंगूठा जो होता है, अंगूठा और चरण बीच का जो भाग होता है, वहां जौ का चिन्ह है। जौ माने गेहूं। जब हम भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं तो देखना चाहिए ध्यान में कि दाएं चरण के अंगूठे के नीचे गेहूं, एक जौ है, गेहूं है। स्कंद पुराण में और हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ने ऐसा कहा है कि भगवान के चरणों में इस जौ का, इस चिन्ह का यदि हम ध्यान करेंगे तो हमारे घर पर भोजन की कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसे भी दुनिया में भूखा कोई सोता नहीं है, डाइटिंग वाले सोते हैं। भगवान जिनको इस संसार में जन्म देते हैं भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, और क्योंकि भगवान के चरणों में एक जौ का चिन्ह है, भगवान के चरणों का ध्यान करने वालों के घर पर या उनके जीवन में कभी भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब तो गृहस्थ हैं, जो लोग 24 घंटा मंदिर में रहते हैं ब्रह्मचारी फुल टाइम डिवोटी, वो लोग भगवान के चरणों का अधिक ध्यान करते हैं, इसलिए उनके लिए अधिक भोजन की व्यवस्था होती है। हम लोग तो क्या खाते हैं घर पर, रोटी सब्जी दाल और एक 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 सब्जी और दाल और भात, वो भी पत्नी का मूड ठीक है तो सब मूड के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप मंदिर में आ जाइए, बिल्कुल तेल तो मिलेगा नहीं, घी में मिलेगा, जो भी मिलेगा शुद्ध देसी घी में पूरी खाइए, दो दो सब्जी पनीर सब्जी खाइए, खीर लीजिए। ये सब भगवान के चरणों का ध्यान करने का फल है। कृष्ण के चरणों में जौ है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के दाएं चरण में दूसरा चिन्ह है चक्र का। यह चक्र, ये भगवान के चरण काली नाग के मस्तक पर गिरे। आप सब जानते हैं भगवान ने नृत्य किया। भगवान के चरणों की महिमा बताते हुए गोपियों ने बहुत सुंदर कहा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया, जिसे गोपी गीत कहते हैं। उस गोपी गीत 19 श्लोक का गोपी गीत है, उनमें एक श्लोक में गोपिया कृष्ण के चरण की महिमा बताती है। प्राणत देहि नाम पाप कर्षणम् त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम्। गोपिया कहती है कि इस संसार में रात दिन अनेकों प्रकार के बंधन में दुखों में फंसा हुआ जीव एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणति प्रणाम करता है तो भगवान कृष्ण उनके सारे पाप हर लेते हैं। कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से, कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने से वे हमारी सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, और इसका ज्वलंत प्रमाण रामायण में पाया गया। जब रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार के निकाल दिया, विभीषण भगवान रामचंद्र को शरणागत होने के लिए आए। वैसे जामवंत आदि हनुमान आदि ने कहा कि रावण का भाई आ रहा है, आप कहो तो हम रास्ते में उसे समाप्त करते हैं। बोले नहीं, वो आ रहा है, जानना चाहिए क्या करने आ रहे हैं। विभीषण सीधे भगवान रामचंद्र की कुटिया में भगवान राम को शरणागत होते हुए राम के चरणों में विभीषण ने प्रणाम किया। विभीषण प्रणाम करते ही भगवान रामचंद्र के मुख से निकल गया, लंकेश लंकेश आपका स्वागत करते हैं। राम के मुख से लंकेश निकलने का अर्थ जानते हैं, विभीषण को लंका का राजा बना दिया।
जामन जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं रावण के साथ युद्ध नहीं हुआ लंका को आपने जीता नहीं और आप लंका को लुटाने बैठे हैं विभीषण को लंका का राज दे दिया यदि आप रावण के साथ युद्ध करते हुए हार गए तो विभीषण को क्या दोगे भगवान रामचंद्र ने इतना ही कहा कि रावण के साथ युद्ध करते हुए यदि मैं हार गया ये तो रघुकुल है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन न जाए रघुकुल है यदि मैं विभीषण को लंका का राजा नहीं बना पाया तो मैं मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा लेकिन राजा अवश्य बनाऊंगा मुझे जो आपसे कहना है श्री प्रभुपाद ने इस प्रसंग में जो लिखा है श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करने का कितना फल है रावण ने अपने दसों मस्तक यज्ञ कुंड में हवन कुंड में काट कर डाले तब जाकर शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी ने रावण को सोने की लंका प्रदान की ये बात आप सब लोग जानते हैं दसों मस्तक काट कर इतनी तपस्या इतना यज्ञ करके जब यज्ञ कुंड में डाले तब जाकर रावण को सोने की लंका मिली और वही सोने की लंका विभीषण ने राम के चरणों में प्रणाम किया प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो गई अब बताइए इससे बड़ा कृपालु ईश्वर और कौन हो सकता है जिसकी हम शरण ग्रहण करें यह है भगवान के चरणों की महिमा कृष्ण के चरणों में जो है जिससे वे अपने भक्त को भूखा नहीं रखते हैं भक्त भूखा नहीं मैं अभी प्रवचन करके ऊपर गया तो केवल एक बार बोला नील माधव प्रभु को थोड़ी सी भूख लगी है इतनी नहीं लगी थी मैंने कहा थोड़ा इतना बोला तीन घंटा तो थोड़ा सा कुछ वो तो लाइए मुंह में डाल दो तो दो ट्रे भरकर इतना बड़ा बड़ा राजभोग लेकर आए तब मुझे स्मरण हुआ कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से भोजन की कमी नहीं रहती है और इसलिए भागवत में शौनक ऋषि ने कहा भोजन अच्छा धने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा वैष्णवों को भोजन की कपड़े की खाने पीने की रहने की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए मेरा क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा क्योंकि यदि हम कृष्ण के नाम पर तो कृष्ण हमारे काम पर यदि हम कृष्ण का नाम लेंगे तो फिर हमारी जिम्मेवारी कृष्ण की हो जाती है वो सब कृष्ण देखेंगे एक बार कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे और वे दुर्योधन का मसाज करते थे दुर्योधन के नहीं थे तो एक दिन दुर्योधन के वहां छुट्टी मार कर कथा सुनने चले गए फिर तो उनको बड़ा टेंशन आया कि यार मैं गया नहीं और दुर्योधन मुझे नौकरी से निकाल देगा भगवान कृष्ण को याद किया प्रभु आप मेरी लाज रख लीजिएगा अब वो तो नहीं जा पाया और दुर्योधन उसको निकाल देता भगवान कृष्ण स्वयं नाई का रूप लेकर दुर्योधन के पास चले गए और कृष्ण दुर्योधन का मसाज करने लगे दुर्योधन पहचान नहीं पाया लेकिन दुर्योधन ने कहा कि यार नाई तो इतने सालों से मेरा मसाज करता है लेकिन आज जो मुझे आनंद आ रहा है ऐसा आनंद मुझे आज तक कभी नहीं आया वो मूर्ख कहां जानता था कि आज तेरा मसाज अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण कर रहे हैं उनके भक्त की लाज रखने के लिए तो जौ है कृष्ण के चरणों में दूसरा चिन्ह है चक्र ये चक्र जो है भक्त के यहां वहां चारों बाजू घूमते रहता है भले दिखाई नहीं देता है परंतु भक्त के चारों बाजू जो कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं तो कृष्ण के चरणों का वह चक्र भक्त के चारों बाजू घूमता है जब भी भक्त के ऊपर कोई परेशानी आती है तो उस चक्र को भगवान का आदेश लेने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कि वह चक्र भगवान को पूछे प्रभु क्या करूं वो मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं उड़ा दूं पूछना नहीं चाहते वह चक्र को पहले से ही भगवान ने आदेश देकर रखा है श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के चौथे अध्याय में इस प्रसंग का जिक्र हुआ है अम्बरीश दुर्वासा मुनि के प्रसंग में जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया
तो तुरंत वह चक्र प्रकट हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि चक्र को आदेश पहले से भगवान ने दे रखा है कि मेरे भक्त के आजू बाजू घूमो और यदि कोई भक्त को परेशान करे तो मेरे आदेश की जरूरत नहीं है। तब हम लोग प्रश्न उठाएंगे, यार हम भी भक्ति करते हैं और कभी कभी कुछ लोग हमें परेशान करते हैं, वो चक्र तो आता नहीं है। लेकिन चक्र आने से पहले ही हम लोग दंड दे देते हैं, इसलिए चक्र बेचारा बीच में नहीं आना चाहता। हम लोग स्वयं ही दूसरों को दंड दे देते हैं तो चक्र बीच में इंटरफियर क्यों करें। इसलिए जब किसी से कोई गलती हो जाए तो वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ये है चक्र। और साथ ही साथ ऐसा वर्णन है कि भगवान के चरणों में जो चक्र है वह चक्र भक्त के काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य इन सब को खत्म कर देता है। वैसे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन समय की मर्यादा में है, 7 बजे मुझे समाप्त करना है, है ना? 7 बजे का टाइम है ना? कंटिन्यू लिटिल लॉन्गर। अच्छा, कृष्ण के दाएं चरण में तीसरा चिन्ह है वो है छत्र का। छत्र माने अम्ब्रेला, छाता। कृष्ण के चरणों में छत्र का चिन्ह है। ये छत्र का चिन्ह ऐसा वर्णन है, छत्र के द्वारा भक्त भौतिक कष्टों की अविराम वर्षा से बचते रहते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनके जीवन में दुख आते हैं और जो भक्ति करते हैं ना उनके जीवन में भी दुख आते हैं। और एक राज की बात बताऊं, क्योंकि आप एवरी संडे आते हैं, एक राज की बात यह है कि जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आते हैं, डबल दुख आते हैं, डबल नहीं 10 गुना अधिक दुख आते हैं। मैं जब जब नए नए मंदिर में आते ना तो प्रीचिंग होता है, बहुत इजी है, सिंपल है, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग करना क्या है? आप लोग पार्टियों में जाते हो तो पार्टियों में करते क्या हो? डांस करते हो, गाते हो और खाते हो, बस यही करना है। लेकिन शुद्ध सात्विक स्तर पर करना है, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग। तो बेचारा नया आदमी आता देखता है, हाँ ईजी है, बहुत अच्छा है, और यहाँ तो मुफ्त में है, वहाँ तो पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर ज्वाइन कर लेता है। फिर क्या है, 3-4 महीने बीतते हैं और जब एवरी संडे आने लगता है तो उसमें से कोई भक्त कहता है, कितने दिनों से आ रहे हो? बोले 4 महीने से। 4 महीने से कितनी माला करते हो? बोले माला तो पता ही नहीं। बोले 4 महीने से आते हो और माला नहीं करते हो, चैंटिंग नहीं करते हो, शुरू करो माला। कितनी? 4 ठीक है, चलो कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। माला लेकर 4 माला शुरू करता है। फिर लगभग 8 महीने बीत जाते हैं तब कोई भक्त पूछता है, कितना महीना हुआ? बोले 8 महीना। कितनी माला? 4। 8 महीने से आते हो, केवल फोन रहा हूं, तुम्हें 16 माला करनी चाहिए। अब ये सोचता है, यार 16 चलो कर लेते हैं, और तो बाकी सब तो मुफ्त में मिल रहा है, चैटिंग डांसिंग फीस्टिंग तो हो रहा है। तो फिर 16 माला शुरू करता है। फिर 1-1.5 साल दिखता है और जब रेगुलर उसको कोई देखता है तो कहता है कि 1.5 साल से आते हो, अच्छा कितनी माला? 16 माला 1.5 साल से। इनिशिएशन हुआ? नहीं। इनिशिएशन क्या? इनिशिएशन नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुई तुम्हारी। अरे क्या करते हो तुम, 16 माला कर रहे हो और दीक्षा नहीं हुई? ठीक है, दे दीजिए। लेकिन दीक्षा लेने के लिए नियम पालन करना होगा, 4 regulative principles, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग। ओके ठीक है, थोड़ा बहुत करते थे वो आज से बंद कर देंगे। फिर दीक्षा की लाइन में आ जाता है, फिर दीक्षा मिल जाती है, हरिनाम दीक्षा हो जाती है। फिर 6 महीने बीतते हैं, दीक्षा हुई, कितना समय हुआ? 6 महीना। 6 महीना हो गया और सेकेंड इनिशिएशन नहीं लिया? अरे नालंद है तुम पर, सेकंड इनिशिएशन नहीं हुआ, ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिए, तुम्हें ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण दीक्षा दे दो। फिर थोड़े देर के बाद, ब्राह्मण दीक्षा लिए और मंगल आरती नहीं आते हो? ब्राह्मण दीक्षा लेकर गुरु महाराज का नाम बिगाड़ोगे, मंगल आरती में आना चाहिए। ठीक है, मंगल आरती आए, क्या करें मंगल आरती। फिर भक्तों में चर्चा होती है, ब्राह्मण दीक्षा मंगला आरती एकादशी कैसे रहते हो?
फराद का ब्राह्मण दीक्षित हो और एकादशी फराद का निर्जला रहनी चाहिए, निर्जला, हाँ निर्जला। फिर वो भक्त पीछे मुड़कर देखता है, यार जब मैं पहले दिन आया तो चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग था और आज मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, फिर भक्त सोचते हैं यार जब यहाँ नहीं आए तो बहुत कम दुख थे, यहाँ आने के बाद तो भक्तों के जीवन में दुख अधिक होते हैं। जो भजन करता है, आपने देखा होगा इतिहास में जो भजन नहीं करते उसका कोई जिक्र नहीं, और ध्रुव प्रहलाद अनेक लोगों के जीवन में दुख देखे गए हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं तस्या अहम अनुग्रहणामि, जो मेरा भजन करता है उस पर मैं बहुत कृपा करता हूं। तो किसी ने पूछा क्या कृपा करते हैं, कृष्ण कहते हैं तस्या अहम अनुग्रहणामि, भजन करने वालों पर मैं अनुग्रह करता हूं और ऐसा अनुग्रह करता हूं कि हरिष्यत धनम शने, उसका सारा धन ले लेता हूं। भगवान कृष्ण की ये टेढ़े है ना, इनकी कृपा भी बड़ी टेढ़ी है। कृष्ण की पहली कृपा क्या होती है कि वो पूरा धन ले लेते हैं। जब धन हाथ से निकलने लगे तो समझो कृष्ण की कृपा हो रही है। फिर चाहे किसी भी माध्यम से कोई धन लेकर उठ जाए, या बिजनेस में लॉस हो जाए, या मंदिर में डोनेशन चला जाए, जो भी आप जैसे भी धन गया तो समझो कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कहते हैं फिर भी वो भक्त मेरा भजन करता रहे तो मैं दूसरी कृपा करता हूं। दूसरी भी बता दीजिए, दूसरी कृपा क्या है? कृष्ण कहते हैं कि मैं उस भक्त का उनके ही परिवार वालों के साथ झगड़ा लगा देता हूं। ये कृष्ण के वचन है, शास्त्र में कहे गए, और हमने अक्सर देखा है भजन करने वालों का अपने परिवार से बनती नहीं है। भजन करने वालों को कोई ये नहीं होता, लेकिन परिवार, उनका मन भगवान में लगा होता है, लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि ये तो फोन भी नहीं करता है, तुम्हारे सामने भी नहीं देखता है, ये तो ध्यान ही नहीं देता है, ये सोचकर उसे निग्लेक्ट करते हैं। कृष्ण कहते हैं जो मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, उन पर मैं कृपा करके उनका धन हर लेता हूं, दूसरी कृपा उनके परिवार में झगड़ा लगा देता हूं, फिर भी वो मेरा भजन करता रहे, फिर भी यदि मेरी शरण ग्रहण करके रखे तो मैं उसे ऐसी वस्तु देता हूं देवानाम अपि दुर्लभम, जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा वैकुंठ धाम ही प्रदान कर देता हूं, वैकुंठ दे देता हूं। लेकिन वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए इस दो परीक्षा से पास होना पड़ेगा, दुख आएंगे। तो मन में प्रश्न होगा कि भक्तों के जीवन में दुख आएंगे तो ये तो गड़बड़ है, हम तो क्या सोच कर आए थे भक्ति में, और आप कह रहे हो भक्त के जीवन में दुख आएंगे, आएंगे, इसे नकारा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े साधु संतों के जीवन में भी उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको पैरालिसिस होता है, हम देखते हैं भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। लेकिन यदि भक्त भगवान के चरणों का ध्यान करे, क्योंकि भगवान के चरणों में छत्र का, छाते का चिन्ह है, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा, श्री प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि भगवान का भजन करने वाला या भगवान के चरणों का ध्यान करने वाला, क्योंकि भगवान के चरणों में छाता है, जैसे मान लो किसी के पास छाता हो, दो आदमी घर से निकलते हैं, एक के पास छाता है, एक के पास नहीं है, और बारिश हो रही है, बारिश दोनों के लिए है, छाते वाले के पास उसको भी बारिश हो रही है, उनके जिसके पास छाता नहीं है उसके लिए भी बारिश दोनों के लिए है, लेकिन ध्यान रहे जिसके पास छाता है बारिश होते हुए भी बारिश का पानी उसे टच नहीं कर पाएगा है? तो कृष्ण के चरणों में छाता है, और जो कृष्ण के चरणों का ध्यान करता है या कृष्ण का भजन करता है तो वह छाता कृष्ण अपने भक्त के ऊपर रख देते हैं, ताकि भक्त के जीवन में दुख आते हैं लेकिन वह दुख भक्त को टच नहीं कर पाते हैं, भक्त को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। दुख आते हुए भी उस दुख का एहसास भक्त को नहीं होगा, भगवान के चरणों में जो छाता है। और दूसरा
कृष्ण के चरणों में छत्र का जो चिन्ह है वो यह दिखाता है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाला या कृष्ण का भजन करने वाला व्यक्ति उसके ऊपर हमेशा छाता रहेगा। एक छाता तो दुखों से दूर करने वाला और दूसरा छाता जिसे राजा महाराजाओं के ऊपर होता है। भजन करने वाला व्यक्ति महाराजा की तरफ घूमता है, इसलिए आपने देखा होगा जो पूरे राज्य का, स्टेट का या देश का जो राजा है वो मात्र राजा, लेकिन भजन करने वाला जब हमारे मंदिर में कोई सन्यासी आते तो हम क्या कहते हैं? महाराज। अब है क्या उनके पास कोई 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 राज्य के राजा नहीं है, लेकिन हम गुरु महाराज को या सन्यासी को क्या कहते हैं? महाराज। और बाकी जो है वो सब राजा। कारण यही है, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए छत्र की कृपा है कि वो सदैव उनकी कीर्ति जो है चारों दिशा में अमर रहती है। भगवान कृष्ण के दाएं चरण में तीन चिन्ह याद है सबको, एक तो है जौं गेहूं, दूसरा है चक्र और तीसरा है छाता। अब कृष्ण के चरणों में चौथा चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा, एक रेखा है ऐसे, वो रेखा ऊर्ध्व रेखा। कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाला ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है। गीता में कृष्ण ने कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में रहकर कार्य करता है वो नीचे के लोकों में, नारकीय लोकों में जाता है, रजोगुण में रहकर कार्य करता है वो इसी संसार में 84 के चक्कर में फंस जाता है, लेकिन जो भजन करता है, भक्ति करता है, कृष्ण के चरणों का ध्यान करता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। ये ऊर्ध्व रेखा जो है कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले को ऊर्ध्व गति कराती है, ऊपर के लोकों में लेकर जाती है। ठीक है, चार हो गए। अब कृष्ण के चरण दाएं चरण में पांचवा चिन्ह है कमल का। कृष्ण के चरणों में बहुत सुंदर कमल का चिन्ह है। ये कृष्ण के चरणों में जो कमल का चिन्ह है ये भक्तों के मन में प्रेम का लोभ उत्पन्न कराता है। जैसे कमल जो होता है सरोवर में जब कमल खिलता है तो भवरे के मन में लोभ उत्पन्न कराता है, हैं? भवरा दूर से कमल के पास आता है और कमल की पराग में आसक्त रहता है। श्री प्रभुपाद ने भक्तों की उपमा भंवरे के साथ दी है। आप जानते हैं प्रभुपाद ने भक्तों को भंवरा कहा है। आप यहां आकर देखेंगे तो सब भंवरे दिखाई देंगे ऊपर से। भक्तों को भंवरा क्यों कहा? श्री प्रभुपाद कहते हैं जैसे जैसे भंवरा कमल की पराग रज में आसक्त होता है वैसे भक्त भगवान के चरण कमल की रज में आसक्त होते हैं। हम देखते हैं दूर दूर से संडे फेस्ट प्रोग्राम में भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए दूर दूर से भंवरे की तरह आए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भंवरे दूर दूर से आते हैं, कमल का आनंद लेते हैं और उसी कमल के नीचे कीचड़ में मेंढक रहता है लेकिन कमल का आनंद नहीं ले पाता है। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ निकट रहते हैं लेकिन नहीं आते, प्रभुपाद कहते वो मेंढक जैसे हैं। कमल के निकट है लेकिन कमल का आनंद नहीं ले पाते और भंवरे दूर रहते हैं लेकिन दूर से आकर कमल के पराग का आनंद लेते हैं। भक्त भी कुछ ऐसे हैं जो दूर दूर से आते हैं, भक्ति रस का आनंद लेते हैं। और कुछ मेरे मेंढक जैसे लोग होते हैं, मेरे जैसे, जो निकट रहते हुए भी आनंद नहीं ले पाते, निकट रहते हुए भी भगवत कथा, भगवत दर्शन नहीं कर पाते। तो कमल, भगवान के चरणों में जो कमल है भक्त को, भक्त के हृदय में प्रेम का लोभ उत्पन्न कराता है। और दूसरा कमल जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी अपने हाथों में कमल रखती हैं तो कमल लक्ष्मी जी का प्रतीक है। भगवान के चरणों का ध्यान करने वाला या भजन करने वाला
लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बन जाता है, लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहती है। कृष्ण के दाएं चरणों में छठा निशान है ध्वज, जैसे मंदिरों के ऊपर ध्वजा, ये ध्वजा जो है अपने भक्त को विजयी दिलाने का काम करता है। कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाला व्यक्ति सदैव सक्सेस होगा, सक्सेस सदैव विजय प्राप्त करेगा। कृष्ण के चरणों में ये ध्वजा है। मैं आपको इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा सुनाऊं। भागवतम में एक प्रसंग है कि एक बार कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन द्वारिका जाओ और कृष्ण की खबर लेकर आओ। अर्जुन द्वारिका गए तो पता चला कि 128.5 वर्ष इस धराधाम पर लीला करने के बाद कृष्ण अपने धाम वैकुंठ में वापस चले गए। ये सुनकर अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ और वहां से वापस लौटे। अर्जुन वन के मार्ग से आ रहे थे, लगभग आप लोग जानते हैं उस वन के मार्ग में कौल भील के कुछ बच्चों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, अर्जुन की मुठभेड़ हुई। 10-15 साल के कुछ बच्चे थे, 2-5 बच्चे थे, अर्जुन के साथ युद्ध किए और युद्ध करते हुए अर्जुन को हरा दिया, अर्जुन को रस्सी से बांध दिया। भागवतम में वर्णन है उस समय अर्जुन ने एहसास किया, उस समय अर्जुन ने कहा कि मैं अर्जुन कितना बड़ा पराक्रमी, मैं अर्जुन कितना बड़ा वीर है। और ये वास्तविकता, महाभारत में अर्जुन धनुर्धर की पोस्ट पर थे, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन राजा द्रुपद की सेना में जाकर एक से एक राजा महाराजा के अभिमान को तोड़ा और उस मत्स्य का भेदन करके द्रौपदी को जीत लिया। मैं अर्जुन अपने गांडीर की टंकार से शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी से पशु पशास्त्र ग्रहण किया। आज मैं वही अर्जुन हूं जो इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठा। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों की सेना को वैसे रौंद दिया जैसे बाज छोटे छोटे पक्षियों को रौंद देता है। आज वही अर्जुन है, वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ है। आज सब कुछ मेरे पास है लेकिन फिर भी इन बच्चों ने मुझे हरा दिया। अर्जुन ने कहा कि आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने मेरे जीवन में जितने जितने पराक्रम किए इसका एक ही कारण था कि मेरे साथ भगवान कृष्ण थे। मैंने एक से एक पराक्रम किए, कारण यही कि कृष्ण मेरे साथ थे। आज जब कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए तो ये छोटे छोटे बच्चे मुझको हरा दिए। ये कृष्ण की महिमा है और कुछ नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जब तक कृष्ण हमारे साथ है, जब तक हम कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे या कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण के चरणों में जो ध्वजा है वो सदैव हमको विजय बनाएगी, सदैव हमको सक्सेस दिलाएगी, जैसे अर्जुन को सक्सेस मिली। तो भगवान के चरणों का, चरणों में छठा चिन्ह ध्वज का है जो अपने भक्तों को विजय दिलाने का काम करता है। कृष्ण के दाएं चरण में सातवां चिन्ह अंकुश का है। अंकुश जानते हैं, हाथी को कंट्रोल करने के लिए हाथी चलाने वाला जो महावत होता है वह अंकुश रखता है। वह अंकुश का चिन्ह भगवान कृष्ण के दाएं चरण में है। श्री राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की। क्या समय हो गया है? नहीं नहीं, पक्का या ठीक है, आज्ञा है कि आप पूरा कर दीजिए।
तो कितने चिन्ह हुए सातवां चल रहा है अंकुश अंकुश बहुत मजे की बात है अंकुश आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पशु हाथी हाथी की ताकत आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े वा छिंड तारे शुकी जाए पाता चैतन्य महाप्रभु ने भी हाथी का दृष्टांत दिया हाथी यदि पागल हो जाए ना तो सैकड़ों गांवों को अकेला हाथी उजाड़ सकता है हाथी में बड़ी ताकत होती है लेकिन इतने बड़े हाथी के ऊपर एक 6 फुट का आदमी बैठा होता है और उस 6 फुट के आदमी के पास 2.5 फुट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे अंकुश कहते हैं जो कृष्ण के चरणों में है इतने बड़े महाकाय हाथी को 2.5 फुट के अंकुश से टोटल कंट्रोल किया जाता है हाथी के मस्तक पर ऐसी नसें होती हैं वे अंकुश इस प्रकार से वो महावत ऐसे टच करता है हाथी को अपने इशारे पर नचाता है यह अंकुश का कमाल है अब कृष्ण के चरणों में जो अंकुश है इसकी क्या महिमा है यह हाथी की उपमा हमारे मन के साथ दी गई है हमारा मन हाथी जैसा है भक्तों अर्थात हाथी की तरह मतवाला है हमारा मन आज यहां है तो कल वहां है 1 सेकंड में कितनी गति कर जाता है हमारा मन अनकंट्रोल्ड है ये सारी फजीहत सारी प्रॉब्लम मन से है स्टूडेंट से लेकर बूढ़ों तक ये जो भी परिश्रम जो भी तकलीफ है मन की है बच्चे का मन स्टडी में नहीं लगता है मन कंट्रोल नहीं है कोई चीज याद नहीं रहती है क्योंकि मन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते आनंद का अनुभव नहीं होता क्योंकि मन वश में नहीं मन ही जड़ है और ये मन न जाने कितनी गति करता है आजकल आदमी श्रम बहुत कम करता है लेकिन मन क्योंकि गति करता है इसलिए आदमी को थकावट एहसास होती है यदि हम भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे या यदि हम भगवान कृष्ण का भजन करेंगे तो कृष्ण के चरणों में जो अंकुश है हमारे हाथी रूपी मन को कंट्रोल कर लेगा हम लोग हमारे मन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो ये कभी हो नहीं सकता हमारी अपनी शक्ति से अपने बल से मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम कृष्ण को शरणागत हो जाए हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले हम कृष्ण का भजन करने लगे कृष्ण की कृपा से कृष्ण के चरणों में जो अंकुश है वो हमारे मन को वश में कर लेगा वो हमारे मन को कंट्रोल कर देगा तो कृष्ण के चरणों में है अंकुश है इसका ध्यान करना चाहिए कि वे अंकुश हमारे मन को कंट्रोल करे कितने हुए अब 7 हुए अब 8वां कृष्ण के दाएं चरण में 8वां चिन्ह है वज्र ये वज्र जो है देवराज इंद्र ने दधीचि ऋषि के द्वारा निर्माण किया था कृष्ण चरणाश्रित इंद्र के समान ये जो वज्र जो है ये क्या अंकित करता है कि कृष्ण के चरणों में जो आश्रित होता है वो इंद्र के समान महान बन जाता है कृष्ण के चरणों में जो आश्रित होता है उनकी गरिमा इंद्र के समान हो जाती है इंद्र के समान वो महान बन जाता है कृष्ण के चरणों का आश्रित व्यक्ति इसका अर्थ यह है कि जो कृष्ण के चरणों में आश्रित है वो बड़े बड़े काम सफल कर सकता है जैसे मंदिर बनाना इतना सुंदर हमारा राधा माधव मंदिर बना कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी कृष्ण के दाएं चरण में 9वां चिन्ह है अष्टकोण अष्टकोण जानते हैं 8 साइड से ये आपके यहाँ सिग्नल में भी आता है अष्टकोण क्या बोलते हैं उसको स्टॉप साइन अष्टकोण होता है ना स्टॉप साइन
तो कृष्ण के चरणों में ऐसा स्टॉप साइन का सिग्नल क्या है? अष्टकोण है ये अष्टकोण कृष्ण के चरणों में इसलिए है क्योंकि जो कृष्ण के चरणों को आश्रित हो जाता है, अष्टकोण माने कृष्ण अपने भक्त को आठों दिशा से सुरक्षित रखते हैं। यह अष्टकोण इसका प्रतीक है। कृष्ण के चरणों का अष्टकोण अपने भक्त को आठों दिशाओं से सेफ रखते हैं और आठों दिशाओं का राज्य कृष्ण का चरण का ध्यान करने वाला या कृष्ण के चरणों का जो आश्रित हो जाता है, आठों दिशाओं का राज्य उनके लिए अप्राप्य अर्थात संभव हो जाता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको लेट हो रहा है मुझे। कृष्ण के दाएं चरण में दसवां चिन्ह है स्वस्तिक। स्वस्तिक जानते ना, हमारे पुराने जमाने में माताएं अपने घर के प्रांगण में दरवाजे के पास स्वस्तिक चिन्ह लगाती थी। अब तो ये सब बंद हो गया ना, ये सब सिस्टम ही निकल गई। अब तो दरवाजे पर एक ही चीज टंगी होती है, बिवेयर ऑफ द डॉग। और कभी कभी मैं देखता हूँ कि बिवेयर ऑफ द डॉग लिखा है और खुद वो आदमी खड़ा होता है, समझ में नहीं आता यही वो है कि अंदर दूसरा कोई। कितने सुंदर सुंदर सुविचार हुआ करते थे, वेलकम मोस्ट वेलकम शुभ लाभ है, तो सब निकल गया। कृष्ण के चरणों में स्वस्तिक का चिन्ह है, यह निर्देश करता है कि कृष्ण चरणाश्रित का कभी अमंगल नहीं होता। स्वस्तिक जो है मंगलवाचक है, तो कृष्ण के चरणों में स्वस्तिक है। जो कृष्ण के चरणों के आश्रित होता है उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, यहाँ पर कमौत है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कभी भी अमंगल हो जाता है, लेकिन कृष्ण चरणाश्रित व्यक्ति का अमंगल नहीं होता, उनके चरणों में यह स्वस्तिक है। कृष्ण के दाएं चरणों में ग्यारहवां और अंतिम चिन्ह है जांबू फल। जामुन जानते ना, अमेरिका का जामुन नहीं खिलाया। हमारे भारत में जब बारिश की सीजन आती है ना तो जामुन होते हैं, काले रंग के है ना, तो यहाँ नहीं होते क्या जामुन? किस देश में रहते हो आप लोग? जामुन स्वर्ग का फल है, आप जानते हैं। फ्लोरिडा जाना पड़ेगा, फ्लोरिडा जाना पड़ेगा, अगली कदा फ्लोरिडा। जामुन जो है स्वर्ग का फल है, बात आई है इसलिए कह दूं मैं। कृष्ण ऐसे वैसे चीज तो रखेंगे नहीं। जामुन स्वर्ग में तीन नदी बहती है। अब आप में से कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे क्योंकि दान डोनेशन बहुत करते हैं। मैं कुछ दिन से सुन रहा हूँ, तो स्वर्ग में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं, क्योंकि जैसे भारत से कोई अमेरिका पहली बार आता है तो पहले सब देख लेते हैं मैप में कि कहाँ उतरना है, कैसे इमिग्रेशन होगा, क्या होगा। तो क्योंकि आप लोग स्वर्ग में जाओगे इसलिए अभी से बता दूं कि वहाँ का इमिग्रेशन इजी है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्वर्ग में देखो सबसे पहली चीज, सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ ऑफिस नहीं है, जॉब नहीं है, काम धंधा बिजनेस नहीं है, टोटल फ्री आदमी रहता है। और दूसरा वहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, और तीसरा वहाँ पर पसीना नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, स्वर्ग में तीन नदी बहती है, एक आम के जूस की नदी और एक जामुन के जूस की नदी। बड़े बड़े हाथी जितने बड़े आम होते हैं, आप तो विश्वास नहीं करोगे लेकिन आप जाओगे तो आप देखोगे कि हाथी जितने बड़े बड़े मैंगो होते हैं और उसमें गुठली नहीं होती, बिना गुठली के, ना गुठली ना चिल्का नहीं। हाथी जितने बड़े बड़े आम और जब पेड़ पर पक जाते हैं तो बिल्कुल नीचे गिरते हैं अपने आप, और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं और कचा कच बारह मास बारह महीने वो गिरते रहते हैं, और उस बड़े बड़े आम पक कर नीचे गिरते हैं तो आम के जूस की एक नदी ही बन जाती है, है? देवता लोग कुछ नहीं करते, घर से ग्लास लेकर जाते हैं और ऐसे करके पी लेते हैं। आपने सुना ना सोमरस, ये सोमरस यही है। कुछ लोग कहते हैं सोमरस माने शराब, ये गलत धारणा है। देवता कभी शराब नहीं पीते। सोमरस क्या है, हमारी भाषा में कहूं तो सोमरस माने एनर्जी ड्रिंक,
without alcohol. ये मुझे clarification देना पड़ेगा, तो कल से लोग Red Bull बिना शुरू कर देंगे. कि प्रभु जी ने तो कहा था एनर्जी ड्रिंक देवता पीते हम भी पिए. तो नॉन अल्कोहल होता है, तो ये ताजे फल के रस की नदी बहती है, उसमें बड़ी ताकत विटामिन आदि होता है, ग्लास लेकर पीते हैं पोषण हो जाता है. दूसरी नदी होती है जामुन के रस की, जो यहाँ पर बात आई कि बड़े बड़े जामुन होते हैं बिना गुठली के गिरते हैं, उसकी नदी बनती है, जामुन का रस भी पीते हैं. और फिर ऐसा वर्णन है कि जामुन की वह नदी बहती रहती है और सूर्य का प्रकाश होता है और वह सूख जाता है. जामुन की नदी जब सूखती है, फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर जब वो सूख जाती है ना, तो एक गोल्ड तैयार होता है जामुन के रस से, एक गोल्ड तैयार होता है और उसको उसका नाम दिया गया शास्त्र में जामुनद सोना. बड़ा कीमती होता है, हमारे पीले सोने से भी बहुत कीमती होता है जामुनद सोना. और तीसरी नदी होती, क्योंकि कुछ लोग टेंशन में रहेंगे क्या, तो मोबाइल है टीवी है वहाँ क्या करेंगे, तो स्वर्ग में जाने वालों को कह दूं कि तीसरी एक नदी बहती है जहाँ पर टीवी एलसीडी स्क्रीन 105 इंच की डीवीडी प्लेयर डिश टीवी वॉशिंग मशीन ये सब बहता रहता है, बस लेकर डिलीवरी करना है घर पर. तो बड़ा आनंद ही आनंद है. लेकिन गीता में कृष्ण ने कहा सुख तो है तो मानना पड़ेगा, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, लेकिन दुख क्या है, क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति. जैसे ही पुण्य का अकाउंट समाप्त होता है, वहां से उसे छोड़कर इस धरती पर वापस आना पड़ता है. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे टेम्पररी प्लेस पर नहीं जाता जहाँ से वापस आना पड़ता है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी जगह पर जाता है जहाँ से कभी वापस नहीं आना पड़ता, और वह जगह है भगवान का धाम वैकुंठ है. तो कृष्ण के चरणों में जाम्बू फल है. ये जाम्बुन फल जो है जम्बू द्वीप के निवासियों के लिए कृष्ण के चरण ही एकमात्र आराध्य विषय है, ये बता रहा है जाम्बुन फल. हम सब जम्बू द्वीप में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो जम्बू द्वीप में रहने वाले लोगों के लिए कृष्ण का चरण ही आराध्य है. बाकी सब महान है, देवी देवता, मैं नहीं कहता हूं उनका आदर ना करे, आदर करे, पूजा करे, सब कुछ करे, लेकिन प्रेम जो है, प्रेम करने लायक एकमात्र कृष्ण है. जम्बू द्वीप में रहने वाले मनुष्यों के लिए ये जामुन फल ये प्रतीत करता है. इस प्रकार कृष्ण के दाएं चरण में 11 चिन्ह कंप्लीट हो गए. इन 11 चिन्हों का ध्यान जब हम घर पर बैठे हैं, जब एकांत में बैठे हैं, आंखें बंद करके कृष्ण के चरणों को याद करें ना, तो ये मेरा पूरा प्रवचन याद आना चाहिए. ये बीच बीच में जो थोड़ा बहुत मैं डालता हूँ मसाला, उसे निकाल देना चाहिए, और जो प्योर प्योर बातें हैं चरण चिन्ह वाली उसे याद करना चाहिए. अब कृष्ण के बाएं चरण में कितने चिन्ह है, 8. तो कृष्ण के बाएं चरण में पहला चिन्ह है शंख का. जैसे हम पूतना उद्धार की कथा सुन रहे हैं ना, उस कथा में शंख की महिमा आएगी. तो यहाँ संक्षिप्त में कह दूं, जैसे शंख में अभिषेक हेतु पानी होता है, वैसे ही कृष्ण के चरणों के शंख में जो जल है वो भक्तों की बहुत ही कष्ट रूपी धधकती हुई अग्नि को बुझा देता है. हमारे इस्कॉन में जो शंख होता है ना, उसमें पानी भरते हैं, फिर ये करते हैं, फिर सबके ऊपर छिड़कते हैं, नए नए लोग सोचते हैं कि मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता, वो कृष्ण के चरणों का जल है. तो कृष्ण के चरणों में जो शंख है, उस शंख में जो जल है, वो जल भक्तों के जीवन में दावानल, जैसे मंगला आरती में हम गाते ना संसार दावानल, ये जो भक्तों के जीवन में दावानल जल रहा है, दुख रूपी अग्नि जल रही है, कृष्ण के चरणों का शंख का जो जल है वह दुख रूपी अग्नि को बुझा देता है. इसलिए कृष्ण के चरण का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए. कृष्ण के चरणों में दूसरा चिन्ह है, बाएं चरण में दूसरा चिन्ह है
समकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त है समकेंद्रीय, यह आकाश का प्रतीक है जो दर्शाता है कि कृष्ण के चरण सर्वत्र है, और यह भी बताता है कि कृष्ण हर वस्तु के भीतर है, और साथ ही साथ यह रास नृत्य का प्रतीक है जिसमें गोपियों के बीच में कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण के चरण में एक समवृत्ति गोलाकार जो चिन्ह है उसमें बीच में एक पॉइंट है, ये दिखाता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। अब कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे तो रास लीला का ध्यान अपने आप हो जाएगा। गोपियों के साथ कृष्ण रास लीला कर रहे हैं ये बता रहे। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ माधुर्य मंडित सबसे उत्तम लीला रास लीला बताई गई है जो कृष्ण के चरणों में है, जिसका ध्यान हमें करना चाहिए। कृष्ण के बाएं चरण में तीसरा चिन्ह धनुष का है। जैसे धनुष सभी आपत्ति को दूर रखता है, वैसे कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला अपने जीवन में सभी प्रकार की आपत्तियों से दूर रहता है। और वैसे धनुष अहंकार का प्रतीक है, आप सब जानते हैं ना, भगवान रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का धनुष हमारे अहंकार को तोड़ देता है। कृष्ण के बाएं चरण में चौथा चिन्ह गाय का खुर, खुर माने गाय का चरण। कृष्ण चरणाश्रित के लिए यह भव सागर, कृष्ण के चरणों में गाय के पांव का चिन्ह है। आपने गाय का चरण देखा है जब वो बारिश की ऋतु में कीचड़ में, अब आपके देश में तो कीचड़ भी नहीं है, क्या कीचड़ ढूंढेंगे, तो कीचड़ में जब गाय चलती है तो छोटा सा खड्डा हो जाता है। अब कृष्ण के चरणों में गाय का चिन्ह ये क्या प्रतीत करता है कि हम सब लोग ये भवसागर में फंसे हुए हैं, ये भवसागर में हम सब लोग गोता खा रहे हैं, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक दुबाए, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता, हम सब लोग इस भवसागर में डूबे हुए हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण के चरणों का आश्रय करेंगे तो ये भवसागर गाय के पांव से बने हुए खड्डे के समान, मतलब इतना छोटा सा हो जाएगा, इसी जन्म में हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे। कृष्ण के चरणों में ये ताकत है, उनका ध्यान करने में ये ताकत है। कृष्ण के बाएं चरणों में पांचवा चिन्ह है कुंभ, कुंभ माने कलश। कृष्ण चरणाश्रित कभी भी अमृत से वंचित नहीं रहेंगे। कृष्ण के चरणों में जो कुंभ है कलश है, तो ये कलश बताता है कि कोई बात नहीं, हम लोग भजन करते हैं, स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो एक अफसोस रह जाएगा, यार स्वर्ग में गए होते तो अमृत पीते, वैकुंठ जाएंगे तो अमृत मिलेगा या नहीं। तो कृष्ण के चरणों में जो कुंभ है वो बताता है कि चिंता मत करो, कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला वो अमृत पीता है। और भक्तों मरने के बाद पियो न पियो, कृष्ण का शरण ले लो, आप हर रविवार को बाल्टीमोर इस्कॉन बाल्टीमोर में आ जाओ, खीर रूपी अमृत अवश्य मिल जाएगा। तो अमृत, कृष्ण का भजन करने वाला अमृत प्राप्त करता है। जैसे समुद्र मंथन में ऐसा वर्णन है कि देवता जितने पढ़े लिखे थे उतने ही पढ़े लिखे असुर थे, देवता की जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति असुरों की थी, देवता ने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत असुरों ने की, जितने देवता लगे हुए थे समुद्र मंथन में उतने ही असुर लगे हुए थे, सारी मेहनत दोनों पक्ष से समान हो रही थी, लेकिन फल किसको मिला, देवताओं को मिला। क्योंकि फल का भाजन, अमृत का भाजन तो वही होता है जो भगवान को आश्रित होता है, क्योंकि देवता भगवान को आश्रित थे इसलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। कृष्ण के बाएं चरण में छठा चिन्ह है त्रिकोण का, त्रिकोण तीन कोण, ये त्रिकोण देविक देहिक और भौतिक तीन ताप है, जानते ना आप शास्त्रीय भाषा में, तीन दुख देवताओं के द्वारा दुख है, कभी सुनामी आ जाए, कभी अतिवृष्टि हो जाए, कभी अनावृष्टि हो जाए, आपके अमेरिका के देवता का कोई भरोसा ही नहीं, कब धूप कर दे, कब बारिश हो जाए, कब ठंड हो जाए,
तो तो ये है देविक देवताओं के द्वारा दुख. अचानक भूकंप हो जाए और लाखों लोग मर जाए, ये देवताओं के द्वारा दुख. आराम से लोग सो रहे हैं और सुनामी आई, एक तीन सेकंड में हजारों लोग मर गए, देवताओं के द्वारा दुख. आदि देविक दुख, ये एक प्रकार का. बहुत सारे दुख हैं, लेकिन तीन जोन में, तीन चीज में बांटे गए हैं. एक है देवताओं के द्वारा दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख, हमारे अपने ही लोगों के द्वारा दुख. मैं अक्सर कहता हूँ, चाणक्य पंडित ने लिखा है कि हमें अपने लोग हमें जितने परेशान करते हैं ना, इतना दूर वाले नहीं करते हैं. इतिहास साक्षी है भक्तों, बड़े बड़े राजा गिरे हैं, हैं? राजा के ताज पूरी दुनिया में चमकते थे, लेकिन बड़े बड़े राजाओं का पतन, बड़े बड़े राजाओं को गिराने वाला अपने आजू बाजू में से ही कोई निकला. अब मुझे बाहुबली को याद नहीं करना है, लेकिन मारा तो अपने ही आदमी ने, अपना ही कोई मारता है. इसलिए चाणक्य पंडित का प्रभुपाद बार बार चाणक्य को यहां पर कोट करते हैं कि अपने ही व्यक्ति ने मारा. तो अपने लोग जितना कष्ट देते हैं, उतना बाहर वाले नहीं देते हैं. तो यह है आदि भौतिक, और तीसरा है आदि आध्यात्मिक दुख, मन के द्वारा. कृष्ण के चरणों में जो त्रिकोण है, कृष्ण के चरणों का आश्रित जो भक्त होता है भगवान, उसे तीन कोण अर्थात आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, इन तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं. कितने हुए? छह हो गए. अब बाएं चरण में सातवां चिन्ह है ऊर्ध्व चंद्र. ऊर्ध्व चंद्र में बीज का जो चंद्र होता है, शिवजी जैसे देवताओं ने कृष्ण के चरण से अपने शीश को शोभित किया है, जो भक्त कृष्ण के चरण को अपने शिर पर धारण करते हैं, हैं? क्योंकि कृष्ण के चरणों में बीज का चंद्रमा है, और शिव जैसे देवता ने अपने मस्तक पर बीज का चंद्रमा रखा है, और सुशोभित चंद्रमौली शिव जी का एक नाम है. तो जो कृष्ण के चरण को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो शिवजी जैसे महान बन जाते हैं, वो शिवजी की तरह सुशोभित हो जाते हैं. और कृष्ण के बाएं चरण में आठवां अंतिम चिन्ह है, और वो है मीन का, मछली का. जैसे मछली रस के बिना नहीं जी सकती, रस माने जल, जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, वैसे भगवान कृष्ण के चरण निरस स्थान पर नहीं रह सकते हैं. भगवान कृष्ण के चरण उसी स्थान पर बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों. जैसे मछली रस जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे कृष्ण के चरण भी जहां रस न हो वहां नहीं रहते. कृष्ण के चरण को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो रस मई बनना होगा. और रस क्या है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस. जब तक ये रस हमारे हृदय में नहीं होगा, तब तक कृष्ण के चरण हमें प्राप्त नहीं होंगे. क्योंकि तो मछली जहां जल नहीं होता वहां नहीं रहती, नहीं रह पाती. ऐसे ही कृष्ण के चरण जहां ये सब रस नहीं होता, दास्य वात्सल्य साख्य माधुर्य नहीं रह पाते. इसलिए हमें रसमयी बनना होगा, इन किसी भी रस को स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करना होगा. इस प्रकार कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह है. कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला इन 19 चिन्हों की कृपा को प्राप्त करता है, और जीते जी सुखी होकर अंत में भगवान को प्राप्त हो जाता है. आप सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ. 25 मिनट आपकी ज़्यादा ले ली मैंने, लेकिन ये पूर्ण करना था आदेश था. तो बस यही है कि भगवान के चरणों को देखें, और जब भी भगवान के चरणों को देखें तो यह सब चिन्हों को याद करें. जब याद करना शुरू करेंगे ना, तो मन ऑटोमेटिक भगवान में लग जाएगा, मन की कृपा हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.
Thank you very much, LalGovind Prabhu, for sharing such a details. So now whenever we will take a darshan, we will definitely keep this thing in our mind. Thank you. So today was our third day for our katha. We have two more days to go. So being the weekdays tomorrow, we will start at 6:30 to 9 o'clock. So please come, please invite your friends and family and try to take advantage of this offering. Thank you so much. 6:30 to 9 o'clock. Thank you. Hare Krishna.